स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। आज हम करेंगे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में किए जाने वाले 7 मॉन्डिटरी पोजेस, वो पोज जो सातों की सातों जब हम किसी भी बॉडी बिल्डिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 7 पोज जो होते हैं वो सभी को करने होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है, इसके कारण बहुत से लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो कट जाते हैं। आप अच्छी खासे बॉडी शेप पर हैं, आप लीन हैं, अच्छी खासे दिख रहे हैं, लेकिन पोज करने की जो गलती होती है इसके चलते बहुत से लोगों के पॉइंट्स जो है वो कट जाते हैं और अच्छा खासा बॉडी का स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आप हार जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो 7 कंपल्सरी पोजेस क्या हैं। अभी परसों के दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्ट बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन है, तो ये बच्चे जो हैं वो खेलेंगे। ये लगभग 55 वेट कैटेगरी के हैं और इन्होंने अभी फिलहाल जस्ट ये बिगिनर हैं और स्टार्ट किए इन्होंने बॉडी बिल्डिंग, तो इन्हें पोजिंग सिखाई जाएगी और जब ये कोई गलती करते हैं तो इन्हें हमें सुधारना है किस प्रकार से, ये अब हम अब देखते हैं कि किस प्रकार से बॉडी बिल्डिंग में पोजिंग होती है। तो इसके जो पोजेज होते हैं मैं इसके नाम सहित आपको बताता जाऊंगा। फर्स्ट पोज जो होता है, फर्स्ट पोज को बोला जाता है फ्रंट डबल बाइसेप्स विथ थाई मसल्स। इस पोज में आपको सामने से अपने दोनों बाइसेप्स दिखाने होते हैं विथ आपकी थाई मसल्स भी इसमें दिखनी चाहिए। तो वो किस प्रकार से बनाया जाता है पोज वो देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टेज में जो खड़े होंगे वो किस पोजिशन में खड़े होंगे, तो सबसे पहले बनाई जाएगी स्टेज पोजिशन। ये देखिए, ये जब आप स्टेज में जाते हैं तो आपको स्टेज में एक डिसिप्लिन में खड़े होना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पोज दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके लैट्स को बाहर की ओर करेंगे, आपके थाइस को आप टाइट करेंगे ताकि सामने जो जज बैठे हुए हैं वो ये देखेंगे कि आपका ट्रंक नंबर क्या है, आप किस पोजिशन में खड़े हैं। हो सकता है यदि आप डिस्टर्ब हो इधर उधर यदि होता है तो आपको वहां पर सेटअप कर दिया जाता है, तो इसलिए तब तक आपको स्टेज पोजिशन में खड़े रहना है। ध्यान रखिए कि जब आप स्टेज में बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो कम से कम अपने पैरों का ऐसे मूव करते रहिएगा, पैरों को चलाते रहिएगा, उंगलियों को चलाते रहिएगा, क्योंकि इस समय में वैसे ही आप थोड़े से डिहाइड्रेट वगैरह भी रहते हैं। इसलिए बेटर है कि जब स्टेज में खड़े रहें तो एकदम बॉडी को एकदम टाइट करके ना खड़े रहें। कुछ समय के लिए आप टाइट करके खड़े रह सकते हैं। अपने ट्रंक को ध्यान दीजिए कि ट्रंक जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए आपके रेफरी को। ऐसा नहीं कि ट्रंक पलट गया हो या नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंक को ऐसा साइड में नहीं लगाया जाता, ट्रंक को बिल्कुल बीचों बीच में लगाना होता है ताकि डिस्प्ले जो है वो ईजी होना चाहिए। तो फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। यस, फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप विथ थाई मसल्स स्टार्ट। ये बना फ्रंट डबल बाइसेप्स। अब इसमें कुछ बातें जो है वो ध्यान देने लायक। बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेन होना चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने बॉडी को आगे की ओर पुश करके रखा इस प्रकार से नहीं करेंगे, बॉडी को नॉर्मल रखेंगे। पहली चीज, आपके ये जो बाइसेप्स हैं ये 90 डिग्री आना चाहिए या उसके ऊपर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको बहुत ज्यादा ऐसे नीचे नहीं करिए। दूसरी चीज, ये जो हाथों की पोजिशन जो है, बाकी लोग रिलैक्स करेंगे, हाथों की जो पोजिशन है वो इतनी आनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आप इसको बहुत ज्यादा ऐसे पास में ना करें। बहुत से लड़के गलती यहां पे ये करते हैं कि हाथों को बहुत करीब में ऐसे ले जा लेते हैं, इससे आपका जो लुक है वो बिगड़ता है। ये आप बना के रखिए 90 डिग्री एंगल पे। अब इसके बाद देखिए, ये जो कटिंग है, ये कटिंग अक्सर नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते इसको कैसे लुक किया जाता है। तो इसका तरीका ये है, आपकी उंगलियों की ये दो उंगली, ये जो आपके हाथों की ये जो दो उंगलियां हैं, आप अंगूठी ऐसा लॉक करिए और ये दो उंगलियों को तेज प्रेस करिए। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहां से आपके बाइसेप्स की जो कटिंग है, बाइसेप ट्राइसेप्स की कटिंग जो है वो पूरी तरीके से निकल जाएगी। ये हुआ, सीने को अप करके रखेंगे, चेस्ट को अप करके रखेंगे, सीना फूला हुआ होना चाहिए, एब्स आपके पेट जो है वो अंदर की होना चाहिए। यदि एब्स दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगली, आपके लेग्स जो है वो पूरी तरीके से टाइट होने चाहिए। अब आपको खुद ये देखना है कि आप क्या, आप जब घुटनों को पीछे की ओर लॉक करते हैं तब आपके एब्स इजी विजिबल होते हैं, तो आपको ये पोज देना। जैसे हम इनकी बात करें, जब ये लेग को पीछे की ओर पुश करते हैं तो इनके जो लेग्स की जो कटिंग है वो बहुत अच्छी दिखती है, तो इनका ये पोज रहेगा, रिलैक्स। वहीं हम इनकी बात करें, इनके लेग्स की कटिंग, यदि ये नॉर्मली यदि लेगों को नॉर्मल करके खींच के रखते हैं तो उनकी कटिंग उतनी अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही हम ये इनके पैरों को हल्का सा बैंड करते हैं तो ये फाइबर जो है इनके ये बाहर आ जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि मैं किस तरीके से यदि पोजिंग करता हूँ तो मेरा पोज जो है वो बहुत बेटर बनेगा। तो अब जैसे यही करेंगे, फ्रंट डबल बाइसेप्स विथ थाई मसल्स स्टार्ट। ये देखिए, बॉडी पूरी फ्लैट, ये मसल्स भाई, ये दोनों उंगलियों से ये किया, बाइसेप्स कट गए इनके, बाइसेप्स अलग, ट्राइसेप्स अलग, लेग्स को हल्का सा इन्होंने इनकी तरह नहीं रखा, इन्होंने लेग्स को टाइट किया था, इन्होंने हल्का सा लॉक किया, तो इनके फाइबर जो है वो बाहर हो गए, एब्स जो है विजिबल हो गए। इस प्रकार से किया जाता है फ्रंट डबल बाइसेप्स। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट पोज, रिलैक्स।
अब हम करेंगे सेकंड पोज। सेकंड पोज है जिसे बोला जाता है फ्रंट लैट स्प्रेड। आपके जो लैट्स हैं इसे आपको फैलाना है, दिखाना है, साथ में आपकी थाई मसल दिखानी है। और विशेष ध्यान रखिए, अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि अपने अपर बॉडी को दिखाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि लोअर बॉडी को भी स्प्रेड करना होता है, लोअर बॉडी को भी पूरी तरीके से दिखाना जरूरी है। तो वो किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं सेकंड पोज में। सेकंड पोज फ्रंट लैट स्प्रेड फ्लेक्स। ये हुआ आपका सेकंड पोज फ्रंट लैट स्प्रेड। अब इसमें ये जो लैट्स होते हैं ये स्प्रेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैट आपके स्प्रेड होंगे, आपका लैट्स पूरी तरीके से खिंचा रहेगा, आपका हाथ जो है वो आपकी कमर पर आना चाहिए। कमर को बहुत ज्यादा प्रेस करके मत रखिए, हल्का सा इसको लुक भर के हिसाब से इसको ऐसा रख लीजिए लैट्स को, और आपके चेस्ट को उठा के रखेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से चेस्ट को उठा के रखेंगे। अब प्रॉब्लम आती है, जैसे सपोज ये सही है लेकिन इनका स्प्रेड जो है लैट्स जो है वो उतनी तरीके से स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, तो इनको कैसे डिस्प्ले करेंगे उसका तरीका देखिए। तरीका ये है कि आप नॉर्मल रहिए। नॉर्मल रहने के बाद में आपको जो मैंने सबसे पहले बताया था स्प्रेड पोजिशन, जो आपकी स्टेज की जो पोजिशन है उस पर आएंगे। तो सबसे पहले लैट्स को ऐसा बाहर कर लीजिए, लैट्स को बाहर किए, ये इनके लैट्स अभी पहले के मुकाबले बाहर आ गए। और आपको बस ये थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर रखिए हाथों को, आपकी जहां से ये जो ऑब्लिक स्टार्ट होती है आप वहां पे हाथों को यूं करके बस नॉर्मल रख लीजिए, इसमें आपके लैट्स जो है वो बाहर की ओर हो जाएंगे। फिर से खींचो, रिलैक्स, ये और ये आप नॉर्मल इस प्रकार से स्टार्टिंग में बिगिनर के हिसाब से आप इसको वो कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप पोज को अपने इंप्रूव करते जाएंगे तो ये बढ़िया होते जाएगा। अब हम चलते हैं इस पोज को फाइनल करने के लिए। सेकंड पोज फ्रंट लैट स्प्रेड, अपने अपने स्टाइल से इसको कंप्लीट करेंगे। तुम लैट स्प्रेड, यस, तुम खींचो, यस, थाई टाइट। थाई का टाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेवन कंपल्सरी पोज में, ये बहुत जरूरी होता है कि आपके लेग्स को आप बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि ऐसा कोई पोज नहीं है जिसमें लेग्स का यूज नहीं किया जाता है। यस, रिलैक्स। अब हम करेंगे थर्ड पोज साइड चेस्ट विद कॉप मसल्स। इसमें आपको साइड से अपने चेस्ट को दिखाना है और साथ में आपको आपकी कॉप मसल्स दिखाना है। इसको दिखाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, ये तीनों ही अपने अलग तरीके से साइड चेस्ट की पोजिंग करती है। देखिए किस प्रकार से है ये थर्ड पोज साइड चेस्ट विद कॉप मसल्स। लेग्स को या तो आप यूं ले सकते हैं या आप यूं भी ले सकते हैं, आप ऐसे ले सकते हैं, और चेस्ट को अप करेंगे, चेस्ट अप होगा आपका, आपको आपका ये जो शोल्डर पोर्शन है इसको एक लेवल पे रखना है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, सीने को उठा के रखेंगे, एक हाथ को आप यहां से लेके आएंगे, दूसरे हाथ को यहां से ये ग्रिप करेंगे, ग्रिप करके आपको चेस्ट को उठाकर रखना है। ये पूरी पोजीशन आई, लेग्स आपके कॉफ जो है यहां से आए। अब इसमें एक पोजिंग और दी जाती है, जैसे ये यहां से इस प्रकार से, अब इसमें आपके कॉफ यहां से डिस्प्ले होगा, यहां से आपके लेग्स डिस्प्ले होगा, और आपने साइड से दिखा के फ्रंट की ओर भी चेस्ट को दिखा दिया। तो ये है थर्ड पोज, आप इस प्रकार भी दे सकते हैं और आप नॉर्मल इस प्रकार से भी खड़े हो सकते हैं, या आप इस प्रकार भी, तीनों ही किसी भी पोजिशन में आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है थर्ड पोज साइड चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पोज, यस, नेक्स्ट पोज बैक डबल बाइसेप्स विथ कॉफ मसल्स। अब इसमें हम यूज करेंगे कॉफ मसल्स, आपके कॉफ पीछे आएंगे, आप पैरों को इस पोजीशन में लेंगे, एक पोजीशन ये है, आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। पोज बनाएंगे बैक डबल बाइसेप्स, ये पोज आया आपका बैक डबल बाइसेप की पोजीशन, ये आया। इसके बाद में आपको इसे हल्का सा, आपकी बॉडी जो है इसको आप हल्का सा ऐसा, जैसे आप ये नॉर्मल खड़े हैं, ऐसा हल्का सा पीछे की ओर पुश करेंगे, ऐसा पीछे की ओर दबाएंगे। दबाने के बाद में आप आपके लैट्स को खोलेंगे और इसे यूं रखेंगे, तो आपके लैग्स की जो कटिंग है वो पूरी तरीके से आ जाएगी, खुलेगा ये इस प्रकार से। हाँ, तो शोल्डर को आपकी बॉडी के से थोड़ा सा ऐसा पीछे की ओर रखिए और ये इस प्रकार से पोज बनाइए। और आप या तो एक पैर को पीछे की ओर करके कॉफ दिखा सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों कॉफ को ऊपर की ओर उठाएंगे, तो इससे भी पोज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यस, रिलैक्स। नेक्स्ट पोज, अब हम करेंगे अगला पोज जो कि है बैक लैट स्प्रेड। इसमें हम हमारे जो विंग्स हैं, अपने लैट्स जो हैं, इसको डिस्प्ले करेंगे बाहर की ओर, पूरी तरीके से खोलेंगे, और इसके साथ में हम अपनी कॉफ भी दिखाएंगे। तो किस प्रकार से ये पोज, चलिए देखते हैं। बैक लैट स्प्रेड विथ कॉफ मसल्स,
यस, इस प्रकार से बैक को पूरी तरह से स्प्रेड करनी है, इस प्रकार से चलेगा, या आप इस प्रकार से अपने कॉफ को भी उठा के रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको आपके बैक को पूरी तरीके से ऐसा स्प्रेड करना है, पूरी तरीके से ऐसा खोल के रखेंगे, जितना ज्यादा आप स्प्रेड करेंगे उसी प्रकार से आपका इसके इसमें पॉइंट बनेगा। ध्यान रखिए कि जिस प्रकार हम फ्रंट लैट स्प्रेड करते हैं ना, इसी का बैक पोर्शन है बैक लैट स्प्रेड। और एक तो आप इस प्रकार से कॉफ को लेकर ऐसे भी दे सकते हैं पोज, या फिर आप दोनों कॉफ को लेकर इसे ऊपर की ओर ऐसे उठा सकते हैं, ये दोनों तरीके से पोजिंग की जा सकती है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट पोज, ये है सिक्स पोज, साइड ट्राइसेप्स एनी साइड, आप किसी भी साइड से इस पोज को दे सकते हैं, आप चाहें तो राइट हैंड से दे सकते हैं, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड से भी दे सकते हैं इस पोज को। ध्यान कुछ देने लायक ये है कि आपके हाथ जो है वो पीछे की ओर नहीं चलने चाहिए, बॉडी के पास रखिए हाथों को, चेस्ट को अप करेंगे और कॉफ को डिस्प्ले करेंगे। तो सिक्स पोज, साइड ट्राइसेप्स विद कॉफ मसल्स, ट्राइसेप मसल्स इसको डिस्प्ले किया जाता है, चेस्ट को अप करना है आपको, आपको आपके कॉफ डिस्प्ले करने हैं। कॉफ को डिस्प्ले करने के लिए आप आपके कॉफ को थोड़ा सा इधर डू करिए, हील को अप करेंगे, जैसे हील अप होगी आपके कॉफ जो है वो दिखने लगेंगे। ध्यान ये देना है कि चेस्ट अप होना चाहिए, एफ जो है आपके अंदर की ओर आना चाहिए, पेट पूरे दबा के रखिए, बॉडी को उठा के रखिए। यस रिलैक्स। अब हम करेंगे फाइनल पोज, सेवन पोज, जिसे बोला जाता है एब्डोमिनल्स विद थाई, ये सातवां पोज है। अब इसे परफॉर्म करने का तरीका, इसको आप कई तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल हरिओम करना, नॉर्मल सिर्फ आपको हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है और आप एब्स को टाइट मार देंगे, ये एक तरीका है। लेग्स आपके टाइट होने चाहिए, आपके एब्स जो है पूरी तरीके से टाइट होने चाहिए, एक ये पोज है। सेकंड, यदि आपके ऑब्लिक्स बहुत अच्छे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑब्लिक्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, इसके फाइबर बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, तो दूसरा तरीका होता है, इसे आप तीन पार्ट में दिखा सकते हैं। फर्स्ट में आप ये लेंगे, यहां से आपके ऑब्लिक्स दिखेंगे, आपके साइड से आपके एब्स दिखेंगे। नेक्स्ट दूसरे हाथ से आप डिस्प्ले करेंगे, ये आपके फाइबर दिखेंगे, ये आपके यहां से, और थर्ड में आप आपने जो जो उसकी फॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाएंगे और एप्स को डिस्प्ले करेंगे। लेकिन ध्यान ये जरूरी रखिए कि ये जो ये पोर्शन है आपको फ्रंट में आना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने पूरे टाइम में साइड से दे रहे हैं तो इस प्रकार से ये नहीं चलेगा। तो ये है सेवन मॉन्डेटरी जो पोजेस हैं बॉडी बिल्डिंग के, ये हम सभी को आना चाहिए, और जब हम स्टेज में परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट आप कितने अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स जो हैं वो बनते हैं। तो यह जानकारी सेवन कंपल्सरी पोज से, मैं हूं संतोष कुमार हैप्पी जिम मेनिया से। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।